अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बोला था आपको कि ज़्यादा कबूतरी अंडे टिकवाने पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ये मेरी कबूतरी है जिसका भी बच्चा ये रहा, ये पूरा बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है और इसने दोबारा अंडे टेक दिया है तो मतलब कि इस बार तो टेक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार मैं इस कबूतरी को अंडे नहीं टेकने दूंगा। जैसे कि ये कबूतरी तो पहली बार अंडा टेक गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बार कर ली, इसको मैं परंद कर दूंगा सारे कबूतरों को, जो भी जो जो अंडे टेक देंगे उसको मैं परंद कर दूंगा। जैसे कि ये कबूतरी देखिए अभी अंडे देने वाली है, अरे देखिए फ्रेंड ये अंडा दे दिए कबूतरी, और अगर ज़्यादा अंडे टिकवाने पे मैं अभी आपको बताने अंडे टिकवाने पे क्या प्रॉब्लम होता है, तभी मेरी कबूतरी ने अंडे दे दिया। अगर कबूतरी का अगर आप ज़्यादा अंडे टिकवाओगे तो कबूतरी उड़ना बंद कर देती है, और प्लस में क्या होता है, अगर जब आपको अंडे का जोड़ होगा तब कबूतरी अंडे नहीं देगी, इसीलिए कबूतरी का ज़्यादा अंडे नहीं टिकवाने चाहिए। जब अगर जैसे कि आप नए नए कबूतर लाए तो उसको कैच मारो, फिर वो अंडे कड़वा लो, उसके बाद आप परंद कर दो, उसको अपना जोड़ तोड़ दो या फिर उनको जोड़ी रहने दो, लेकिन अंडे मत करने दो, उड़ाते रहो तो वो अंडे नहीं टेकेंगे, और अंडे नहीं टेकेंगे तो आपके कबूतर भी सही रहेंगे और जो बच्चे निकलेंगे उसको अपने सही से उड़ाओ। अगर ज़्यादा अगर आप अंडे टिकवाओगे तो वही आपके कबूतर उड़ेंगे नहीं, और आपको जब जरूरत होगा अंडे का तब टेकेंगे ही नहीं, इसीलिए कबूतरी को ज़्यादा अंडे नहीं टिकवाने चाहिए। जैसे कि देखा होगा आपने कि हमारे आसपास में बहुत सारे जंगली कबूतर रहते हैं, वो भी ब्रीडिंग करते हैं, जैसे कि अंडे टेकते हैं, लेकिन वो कुछ ही समय तक देते हैं, जैसे कि 2-3 बार दे दिए, उससे फालतू नहीं देते। अगर उससे फालतू देंगे तो वो भी उड़ने में बेकार हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाएंगे, इसीलिए देखते हो आसपास के जो जंगली कबूतर हैं बहुत हेल्दी होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं, इसीलिए अपने पालतू कबूतरों के ज़्यादा अंडे ना टिकवाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, और वीडियो को पूरी देखें।